नमस्कार, मैं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। रोहतास जिला के डालमिया नगर में आपसी विवाद में एक शख्स की मारपीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में काफी डर व्याप्त हो गया है। बताया जाता है कि मृतक फागुनी भुइया मजदूर था। गांव के बगल का ही एक शख्स ने उसे कल रात में अपने साथ बुलाकर ले गया। गाँव के लोग बताते हैं कि उसी शख्स के साथ फागुनी भुइया रात में खाना खाया पिया, उसी दौरान कुछ बात पर मारपीट हो गई, जिसमें फागुनी भुइया की मौत हो गई। शख्स घटना स्थल से फरार हो गया है। किसी तरह ग्रामीणों ने शव को कब्जा में लिया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। इस तरह की लगातार घटनाएं घटती जा रही है रोहतास जिला में और प्रशासन इस पे अपनी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। फागुनी के लिए आकर पोसाराम जी खियाया पियाया मार दिया, बिक के चला गया, भाग गया। पोसाराम दिया गया घर से फागुनी के खिया पिया के मार दिया। क्या खिलाया पिलाया? कुछ मीठ मछली दिया, कुछ तनी मनी शराब पानी नहीं। और क्या? पोसाराम कौन है? उधर घर है वो। तो इनकी मौत कैसे हुई आखिर? इनकी मौत कैसे हुई? मार दिया घोड़े से, हाथी से, पैर से मार के मुआ दिया उधर, और फेंक दिया उसको जगह हो गया। तो हम लाए उठाकर सवेरे के पहर काल। पुलिस आई थी? हाँ जी हाँ आई है। रात के समय में हाँ, केस वगैरह हो गया है? हाँ हो गया है। तब न किए सर सराम लिया गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है दशरथ। Yeah.